हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल प्रीत्स गार्डन। फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे टाइम से मैं अपने चैनल पर कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी। उसका भी एक रीज़न है। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरी प्रेगनेंसी की वजह से डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया था, जिसकी वजह से मैं अपने प्लांट्स की कोई भी केयर नहीं कर पा रही थी। और उसी वजह से इस टाइम के दौरान मैं कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई। और जैसे ही मेरा प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, उसके बाद सिजेरियन डिलीवरी हुई और प्री मेच्योर बेबी का होना, तो वो टाइम भी मेरे लिए बहुत टफ था। और डिलीवरी हुए तो अभी 3.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। और सिजेरियन डिलीवरी में तो कोई भी काम करने के लिए कुछ महीनों तक आपको मना किया जाता है। और गार्डनिंग तो वैसे भी थोड़ा सा हार्ड काम होता है, और टेरेस पर जाकर गार्डनिंग के काम करना थोड़ा सा इस सिचुएशन में डिफ़िकल्ट हो जाता है। और क्योंकि मेरी बेबी भी प्री मेच्योर हुई थी, तो उसको भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी, इसलिए भी मैं प्लांट्स को अभी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। तो अभी मेरे प्लांट्स की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है फ्रेंड्स, बट मैं अपने प्लांट्स को धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। और काफ़ी सारे प्लांट्स तो मेरे ख़राब भी हो गए हैं, जो डेलिकेट प्लांट्स थे। ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरी प्रेगनेंसी से पहले की क्लिप्स हैं, और उस टाइम मेरे प्लांट्स में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते थे। और बहुत बुरा लग रहा है अपने प्लांट्स की हालत देखकर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनको ठीक कर लूँगी। ये टाइम तो आता जाता रहता है, कोई बात नहीं। और कुछ कोलियस के प्लांट्स हैं मेरे पास जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, काफ़ी सारे पॉट्स खाली हो गए हैं। उनकी मिट्टी को कलेक्ट करना, उसको फिर से मतलब गार्डनिंग में यूज़ करना, तो बहुत सारा काम हो जाता है। धीरे धीरे अभी मैंने स्टार्ट किया है काम करना गार्डन में, तो ट्राई करूँगी आपको रेगुलर वीडियोस दे सकूँ। और जो भी मैं काम अपने गार्डन में करती रहूँगी, उसको मैं शूट करके ट्राई करूँगी कि आप लोगों तक पहुँचा सकूँ फ्रेंड्स। और जो ये मेरा टाइम पीरियड था फ्रेंड्स, उसमें आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और उम्मीद करती हूँ कि हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहेगा और आप यूं ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि फ़िलहाल मेरे प्लांट्स किस कंडीशन में हैं, और कैसे मैं धीरे धीरे मतलब उनको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स उन प्लांट्स के साथ जो मैंने ग्राउंड फ्लोर पर अपने घर के बाहर रखे हुए हैं। ये देखिए, ये चंपा का प्लांट है। प्लांट तो क्या, अब तो ये पूरा पेड़ ही बन गया है और बहुत बड़ा हो गया था। देखिए, इसको मैंने बकेट में लगा दिया था, और ये पेंट की बाल्टी है। और इसके पीछे ही देखिए कनेर का प्लांट रखा हुआ, जिसको मैंने मटके में लगाया था, और मटके की बहुत बुरी हालत है, टूट गया है वो ऊपर से, उसका भी मुझे पॉट चेंज करना है। और ये अशोक का प्लांट है फ्रेंड्स, और इसकी भी पत्तियां ख़राब हो रही हैं, तो इसको भी ठीक करना है। उसके बाद ये एक कनेर का प्लांट है फ्रेंड्स, और इसको मैंने, इसको भी पेंट की बाल्टी में लगाया हुआ है। और इसके पीछे ये देखिए, ये टर्टल वाइन है, ये मैंने ग्रो नहीं की थी। एक्चुअली ऊपर मैंने फर्स्ट फ्लोर पर टर्टल वाइन लगाई हुई थी, वहीं से कुछ ब्रांचेस टूट टूट कर नीचे गिर गई, और जैसे ही इसको मिट्टी और पानी का सपोर्ट मिला, तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाती है। और ये है पत्थर चट का प्लांट, ये भी बहुत बड़ा हो गया था, लैगी हो गया था, तो इसको मैंने कट कर दिया है, काफ़ी सारा हिस्सा इसका। और उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें मधुमालती की बेल लगाई हुई है मैंने, ये 14 इंच का पॉट है। और इसमें मैंने फ्रेंड्स तकरीबन मार्च अप्रैल में मैंने छुई मुई प्लांट के सीड्स डाले थे, कुछ वो ग्रो हो गए, बट मैं उनको सेपरेट नहीं कर पाई, अलग से पॉट नहीं दे पाई मैं उनको, बट बहुत अच्छे से इसमें चल रहे हैं ये। और अभी तो विंटर्स आ गई हैं, देखती हूँ, वैसे भी इनका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है इस टाइम पर। और ये है तुलसी के प्लांट, ये मैंने सीड से ग्रो किए थे फ्रेंड्स, इसका भी पॉट टूट गया है, वो भी चेंज करना है। और ये बेलपत्र का प्लांट है, और ये भी मैंने अपने घर के बाहर रखा हुआ है, बहुत शुभ प्लांट होता है बेलपत्र, शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। और इस पर भी किसी पेस्ट का अटैक हुआ, उसने इसके सारे पत्ते खा लिए हैं। और ये नीम का प्लांट है फ्रेंड्स, इसका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो गया है, देखिए बिल्कुल पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं, जो इसकी डंडियां हैं वो भी पीली पड़ने लगी हैं।
तो इनको मैं निकाल दूंगी ताकि प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके। उसके अलावा यहाँ शमी का प्लांट रखा हुआ है, तुलसी प्लांट रखा हुआ है, और ये अलमंडा की बुश वैरायटी है येलो फ्लावर्स वाली। तो अभी हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और ये देखिए ये एक्सोरा का प्लांट है और ये हाइब्रिड वैरायटी है एक्सोरा की, और इस पर येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपने इस पर फ्लावरिंग भी देखी होगी, क्योंकि मैंने पहले इसका वीडियो अपलोड किया था। तो बहुत सुंदर फ्लावर्स आते हैं इस पर, लीव्स येलो हो रखी हैं, तो इसमें भी मैं फर्टिलाइज़र ऐड करूंगी। उसके बाद ये है टर्टल वाइन, जो ऊपर ऊपर से हरी दिख रही है बट अंदर से ये सारी सूखी हुई है, तो इसको तो मैं पूरी को अभी निकाल ही दूंगी और कंपोस्ट में डाल दूंगी। उसके बाद फ्रेंड्स ये है जेड प्लांट, और ये बहुत हार्डी प्लांट है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता, बट गमला थोड़ा सा टूट गया है तो इसका पॉट चेंज करना पड़ेगा मेरे को। और उसके अलावा ये है एस्पेरेगस, और इसके भी देखिए लीव्स पीले पड़ने लगे हैं, और जैसे इसको हाथ से टच करो ये पीली पत्तियां सारी अपने आप ही झड़नी शुरू हो जाती हैं, तो इसका भी डोरमेंसी पीरियड आ गया है अभी। और ये तुलसी का प्लांट है फ्रेंड्स, ये शाम तुलसी है, और आपको इसकी कंडीशन देखकर ही पता लग रहा होगा कि कितनी डेड ब्रांचेस हैं इसमें, और ये एक्चुअली बिल्कुल सूखने लगी थी बट जैसे ही इसमें रेगुलर पानी वगैरह डालना शुरू किया तो ये फिर से हरी होने लगी है और इसमें अच्छे से लीव्स वगैरह आने लगी हैं। और ये है पोर्टुल का, ये वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं इस पर, और इसी के अंदर ये देखिए ये अपने आप सीड्स गिरते रहते हैं और वो ग्रो हो गए हैं। ये भी पोर्टुलुका की ही वैरायटी है बट हालत बहुत ख़राब है इनकी भी, और ये पर्सलेन एक दो फ्लावर्स भी आ रहा है, और देखिए ये हैंगिंग प्लांट भी टूट गया है और इस पर पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। और ये है फ्रेंड्स हाइब्रिड विन का, ये मैंने सीड से ग्रो किया था, इसके भी नीचे के पत्ते पीले होकर बहुत झड़ रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए जेड प्लांट लगाए हुए हैं, जेड प्लांट तो आप किसी भी बास्केट में पॉट में किसी भी चीज़ में लगा लो बहुत अच्छे से चलता है, ये मैंने सारे कटिंग से लगाए हुए हैं, कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है जेड प्लांट। और ये भी टर्टल वाइन है, और इसमें ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे फूल से आ रहे हैं, आई थिंक इसमें इसके सीड भी बनते होंगे। और नेक्स्ट जो प्लांट रखा हुआ है ये सिंगोनियम है, इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। और अभी हम आ गए हैं टेरेस पर, और ये देखिए यहाँ पर तो पूरा तूफान मचा हुआ है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी थी, प्लांट्स की कटाई छटाई प्रूनिंग वगैरह कर दी थी, तो वो थोड़ा सा क्लीन लग रहा है, बट टेरेस पर बहुत बुरा हाल है। और ये मिट्टी फ्रेंड्स ये गमलों की ही निकली हुई मिट्टी है, और इसको मैंने हफ्ता 10 दिन धूप में सुखाकर छानकर इस तरह से ग्रो बैग में रख लिया है। सारी मिट्टी एक साथ नहीं सुखाऊंगी, क्योंकि अगर बारिश वगैरह आ जाती है तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी ही मैं अपनी मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ गमलों की। उसके बाद ये बोगनविलिया के फ्लावर्स हैं डबल शेड के, बहुत प्यारे लग रहे हैं, और इसको मैंने फ्रेंड्स एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर पर रख दिया था बट कोई फ्लावरिंग नहीं हुई, और जब से मैं इसको टेरेस पर लेकर आई हूँ देखिए जैसे ही इसको अच्छी खासी धूप मिली तो इसने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। और नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड्स ये है अपराजिता का, ये ब्लू कलर वाली वैरायटी है, सिंगल पेटल वाला जो फ्लावर होता है। और ये है चंपा का प्लांट, ये येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है इस पर बट अभी समर में फूल आए थे। और नेक्स्ट जो प्लांट्स हैं फ्रेंड्स ये सारे आपको हिबिस्कस के ही प्लांट देखने को मिलेंगे, ये देखिए देसी वैरायटी है, और फ्लावर्स ऐसा नहीं है कि फ्लावर्स नहीं खिलते हैं, फ्लावर्स तो खिलते हैं बट जो भी दो चार खिलते हैं वो मैं तोड़कर अपने घर के मंदिर में पूजा में चढ़ा देती हूँ। तो ये पॉट टूटे हुए हैं, इनके मुझे पॉट चेंज करने हैं। ये भी हिबिस्कस की ही एक वैरायटी है, और ये देखिए इसका फ्लावर, इस तरह के फ्लावर्स आते हैं इस पर, ये झड़ गया था और इसका भी पॉट टूटा हुआ है, ये भी मुझे चेंज करना है। नेक्स्ट भी ये देखिए ये हिबिस्कस की ही काफ़ी सारी वैरायटी है मेरे पास,
और ये फिर नेक्स्ट बोगनविलिया प्लांट है, इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है एक्चुअली। ये भी ग्राउंड फ्लोर पर था और टेरेस पर ले जाने के लिए मुझे इसकी कुछ ब्रांचेस कट करनी पड़ी, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं तो ऐसे नहीं ले जा सकते थे इसको, ऊपर कांटे लग रहे थे तो मैंने थोड़ा सा कट कर दिया था उसको, प्रून कर दिया था। ये हिबिस्कस देसी हिबिस्कस का प्लांट है और इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था, इसमें भी फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। और ये गुलदावरी की कटिंग्स कुछ मैंने पिछले साल लगाई थी बट उनको मैं रिपोर्ट नहीं कर पाई। अभी देखिए इसमें बर्ड्स भी आने शुरू हो गई हैं। और ये छुई मुई का प्लांट, कोई शायद बीज अपने आप से गिर गया होगा तो ये भी ग्रो हो गया इसमें। और ये है कनेर का प्लांट, कनेर के भी मेरे पास काफ़ी सारी वैरायटी हैं फ्रेंड्स हाइब्रिड कनेर की, और ये भी कनेर का ही प्लांट है। वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको प्लांट दिखाया था पिंक कलर की, बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहा था, वही वाला प्लांट है ये। अभी इसमें फ्लावरिंग रुकी हुई है क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड नहीं किया है मैंने अपने प्लांट्स में। और ये है नागचंपा का प्लांट, काफ़ी हाइट गेन कर ली है इसने भी और इसका पॉट छोटा पड़ने लगा है। जैसे ही थोड़ी सी भी हवा चलती है तो ये लुढ़क जाता है, तो इसका भी मुझे पॉट चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लांट है वाइट हिबिस्कस, वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, ये भी बहुत बुशी हो गया है तो इसकी भी मैं बहुत जल्दी प्रूनिंग करूँगी और काफ़ी सारी कटिंग्स निकलेंगी इनकी तो उनको मैं ग्रो कर लूँगी और बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है इस पर भी। और ये मोगरा का प्लांट है, और मोगरा के एक्चुअली मेरे पास चार प्लांट हैं और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मोगरा के ना लिप्स बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं, इस तरह से पेस्ट का अटैक हो जाता है, तो इनको आप कट कर दीजिए। और अगर आप कट भी नहीं करते हैं तो थोड़े दिन के बाद ये अपने आप ही गिर जाते हैं और इनकी जगह नए लिप्स आ जाते हैं। तो अगर आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे तो जो नया लीव्स आएंगे नए इस प्लांट पर, वो बहुत अच्छे आएंगे, बिल्कुल फ्रेश, उन पर कोई पेस्ट का अटैक नहीं होगा। ये कड़ी पत्ता का प्लांट है, ये बिल्कुल सही चल रहा है और ये मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है फ्रेंड्स। मिट्टी के गमलों की तो बात ही कुछ और होती है। और ये है एक्जोरा का प्लांट, और इस पर पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। देखिए ये चींटियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब इस पर भी पेस्ट का अटैक है, तो इस पर भी मैं नीम ऑयल स्प्रे करूँगी। और ये देखिए फ्लावर स्पेंट हो रखे हैं इसके भी, उनको मैं कट कर दूँगी। नेक्स्ट हाइब्रिड हिबिस्कस का प्लांट है, और ये देखिए ये वाइट अपराजिता है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उस पर ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं और इस पर वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं और ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। उसके बाद एक मेरे पास चंपा का ये भी प्लांट है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल देसी चंपा है जिसके फ्लावर्स में बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आती है और बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर ये देखिए ये गुड़हल का प्लांट है, देसी गुड़हल है ये भी, और देसी गुड़हल पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है फ्रेंड्स कि किस तरह से इसमें ज़्यादा फूल आए, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड्स ये है अलमंडा की बुश वैरायटी, और ये तो सच्ची का ही बुश बन गया है। देखिए पूरी झाड़ी नुमा आकार ले लिया है इसने और इसको मैंने इस तरह से दीवार के सहारे टिकाया हुआ है, अदरवाइज़ ये पूरा इधर उधर फैलता जा रहा है। और इसकी भी मैं कटिंग कर दूँगी। ये भी एक्जोरा का ही प्लांट है फ्रेंड्स, इसमें भी पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं बट थोड़ा सा शेड का फ़र्क है, इसमें थोड़े से लाइट कलर के आते हैं, जो मैंने पहले आपको दिखाया था उसमें थोड़े डार्क कलर के आते हैं। और ये देखिए ये बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है, काफ़ी बुशी प्लांट हो रखा है और बहुत अच्छा परमानेंट प्लांट होता है, बहुत गुच्छों में फ्लावरिंग होती है इस पर, बहुत सुंदर लगती है। और इस बार तो मैंने इसको कोई फर्टिलाइज़र वगैरह भी नहीं दिया, फिर भी देखिए कितने अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। और ये है स्थल कमल, ये हिबिस्कस की ही एक वैरायटी होती है जिसको हिबिस्कस मेटाबुलिस के नाम से जानते हैं, और ये हाइब्रिड हिबिस्कस का प्लांट है। नेक्स्ट जो है ये मधुमालती की जो बुश वैरायटी होती है वो है, इसके भी बीच में से सारे पत्ते पीले होकर झड़ चुके हैं। और नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स तिकोमा का, और इसको भी मैंने देखे प्रून कर करके कितना बुशी बना लिया, पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया है इसमें भी, जो बर्ड्स बनी थी कलियां बनी थी वो सारी गिर गई हैं पेस्ट अटैक की वजह से, बट प्लांट बहुत बुशी हो चुका है ये मेरा, बिल्कुल हर तरफ से फैला हुआ है। और जब इस पर ब्लूमिंग होती है
तो मतलब बिल्कुल बहुत सुंदर लगती है, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स बहुत प्यारे लगते हैं। इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है फ्रेंड्स, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और ये भी हिबिस्कस का प्लांट है, ये डबल पेटल वाला है, मल्टी पेटल वाला है और पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें। और ये देखिए, जो गमलों की मिट्टी थी, जो मेरे प्लांट ख़राब हो गए थे, वो मैंने सारी इस तरह से ग्रो बैग में भरवा कर रख ली थी। और इसमें देखिए अपने आप ही क्या घास फूस उगा हुआ है। तो इस तरह से ये मिट्टी देखिए, मेरे पास बहुत सारी मिट्टी रखी हुई है जिसको धीरे धीरे मुझे सुधारना है, तो टाइम लगेगा बट धीरे धीरे हो जाएगा सारा काम, कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मैं अपने प्लांट्स को फिर से हरा भरा बनाने के लिए जो भी काम करूंगी वो मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी और ट्राई करूंगी कि अभी मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर सकूं। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।